फाइनली तुंगनाथ टेम्पल आ गए हैं और सामने है चंद्रशिला 1 किलोमीटर बाबा तुंगनाथ का द्वार। जय शिव शंभू। और ये है बाहर से हमारे बाबा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोला हो गया भाई, मॉरिन के डंडे के मोर वापस। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। और ये आपका अपना चैनल वेदी व्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई देख लो, हम फिलहाल चोपटा में और आज जाएंगे हम तुंगनाथ मंदिर, जो कि भोले बाबा का विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर है। तो भाई आप बने रहना व्लॉग में, आप और मैं साथ में दर्शन करेंगे बाबा के, और बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं दिखाता हूँ आपको फिलहाल व्यू चोपटा का, और यहाँ से 450 मीटर पे तो तुंगनाथ टेम्पल का, जहाँ से चढ़ाई करते हैं वो द्वार है, और फिर आगे 3 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो स्वागत है भाई आपका मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा में, और हमने कर दिया भाई तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट। और भाई ये इसके अंदर है रेन कोट, पावर बैंक, क्योंकि वीडियो का काम है तो सब चीज़ें साथ रखनी पड़ती। ये है तुंग बाबा के धाम का द्वार जाने का, तृतीय केदार श्री 108 भगवान तुंगनाथ, तुंगनाथ धाम हिमालय चोपटा पधारने पर आप सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत। और भाई हमने लिए छड़ी क्योंकि चढ़ाई कठिन है, और 20 रुपये किराया, 50 रुपये जमा होते हैं। जय शिव शंभू। बाबा किस चीज़ का मंदिर है ये? ये माता है सप्तसुंदरी शिव जी की कन्या। अच्छा अच्छा। जब ये चार पट बंद हो जाते हैं ना, हाँ जी, तो शिव जी की एक रात छेड़ी यहाँ विश्राम करती है। अच्छा जी, है ना? हाँ जी। उसके बाद फिर ये वो की मर जाती है सुबह, यहाँ प्रोग्राम होता है भंडारा बड़ा धूमधाम से होता है। अच्छा जी। फिर 6 महीने के बाद फिर पट खुलते है ना, हाँ जी, तो वो की से फिर यात्रा शुरू होती है। ये माता कन्या है उनकी। अच्छा, मतलब तुंगनाथ बाबा के लिए दर्शन करने हो तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। प्रारंभ होती है। अच्छा अच्छा। केदार जाके आए? नहीं जाएंगे, अभी जाते टाइम जाएंगे। केदार जाओगे तो पहला भीम बल्ले बालाजी आएंगे। ठीक है जी, है ना? हाँ जी, वहाँ से केदार की यात्रा प्रारंभ होती है। अच्छा जी। हमने बाबा से बात की तो भाई बाबा ने बताया यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है, तो अब वहाँ से दर्शन करके बाबा से मिलके फिर जाइएगा। और भाई बहुत अच्छा लगा बाबा से मिलके, और चढ़ाई चालू है, थकान होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि चढ़ाई एकदम स्ट्रेट। चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं देख लो आप, खूबसूरती यहाँ की, वाह यार, मतलब देखो भाई को थकान हो गई है, मेरे को भी हो रखी है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है उसको महसूस करने के बाद जो अंदर आनंद मिलता है उसके मज़े अलग हैं यार। दो भाई आ रहे हैं दर्शन करके, तो उनसे बात करते हैं कैसा लगा। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। कितने ऊपर है अभी? तो आपने दस चालू किया? नहीं चालू किया, पता है लगभग आपको, मान के चलिए आप ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे 3 घंटे तो लग ही जाएगा। अच्छा। रुक के अभी तो पूछ रही है, अभी आगे चढ़ाई शुरू होगा, लेकिन और बड़ी जगह बड़ी मस्त प्यारी है। मजा आया दर्शन करके? बड़े मजा आया। ऊपर चंद्रशिला है, कभी घूम के आइए मंदिर से, और 1.5 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, देख के जाना वो जरूर देखना, बड़े मजेदार है वो। माहौल बना दिया बाबा तेरे दर्शन के दीदार में, यार खूबसूरती, पहाड़ों की खूबसूरती। आप ऊपर से आ रहे हो भैया? हाँ जी भैया। घास लेके आते हो डेली? अरे वाह, डेली भोले बाबा के दर्शन करते हो आप तो। चलते भाई, एक घोड़े वाले भैया मिले हैं, तो करते हैं बात। भैया हर हर महादेव, क्या रेट है भैया ऊपर जाने? 1300 रुपये आना जाने। अच्छा, नीचे से लेके आ, यहीं से? नीचे से, नीचे। अच्छा अच्छा। आप व्यू देखो एक बार, बादल बन रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं महादेव से मिलने, और बारिश आ चुकी है। हम पहन लेते हैं भाई रेनकोट वरना भीग जाएंगे, इसीलिए लाया था रेनकोट में। यार सच में यार देखने लायक जगह है।
देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताता हूँ मैं। प्रकृति की गोद में समस्त श्रद्धालु पर्यटकों का इको पर्यटन विकास समिति तुंगनाथ चौपटा हार्दिक स्वागत करती है। भाई सच में प्रकृति की गोद है यार, मतलब आप फील करो यार, मतलब अंदर जैसे फीलिंग आएगी ना, ओए होए बहुत चढ़ाई है भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है यार। बाबा ने धूप वो ठंड में पसीने निकलवा दिए और भाई बारिश अब थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन आप मेरी मानो तो जूते पहनो तो अच्छी बात है, लेकिन वो भीग सकते हैं। रेनकोट एक लेके चले साथ में, आप पहन के चले, एक डंडा ले ले, 20 रुपये में कुछ नहीं जाता, लेकिन सावधानी होती है भाई, और आप आसानी से अटका के चढ़ सकते हो। मैं चलते चलते यात्रा करते टाइम और मिले हैं हमारे दादाजी और दादी जी की उम्र के श्रद्धालु, जो लोग उन पे घोड़ों पे चरों पे आते हैं उनको देखना चाहिए दादाजी की उम्र कितनी है, और वो पैदल चल रहे, नॉन स्टॉप चल रहे, मैं बैठ गया हूँ, दादाजी नहीं बैठे, सब दादी पैदल चल रही है, मैं बैठ गया हूँ, दादी नहीं बैठी। तो मज़ा आ रहा है आपको? मजा है, बहुत मजा है, एकदम मजा में। प्रकृति की गोद सच्ची है, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं चोपटा को, तो सच्ची है ना, मालूम है, सच्ची है ना, बिल्कुल खूबसूरती जायज और देखने क्या है, हाँ देखने लायक है, देखने लायक, महादेव ने बुलाया है तो है, उसकी कृपा है। हाँ सर जी का भी ब्लॉग चैनल है प्रसाद एटन ब्लॉग्स, हाँ जी, लोकल लैंग्वेज में है, मलयालम में है, केरल का सीन्स है, केरल में आएंगे तो मेरा ब्लॉग देखो। नीचे देखो भाई क्या माहौल हो गया है, ओह माय गॉड, गजब, देखो भाई नजारे, ये भाई शॉर्टकट लिया हमने, बहुत कवर हो गया, एक और शॉर्टकट है यहाँ से, स्टार्टिंग में जहाँ पहाड़ दिख रहे थे अब वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बादल, और ऊपर देखो काले बादल हो रखे हैं बिल्कुल, इतने ऊपर आने के बाद भी देखो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट, हमें तो लगा कि कमी रह गया, लेकिन अभी तो बहुत बाकी है, फोग ही फोग हो गया, और चले जा रहे हैं पहुंचने रहे। पंडित जी कितना रह गया? अच्छा ये चार दुकानें ही नहीं खत्म हो रही जब से चले हैं, फर्स्ट व्यू महादेव के मंदिर का, वो दिख गए वादे बाबा, आकाश कुंड में गोमुख से आता हुआ गाय के मुंह से पानी, हाथी को प्यास नहीं, प्यास लगी वो पी रहा है साथ में, गाय का पेट भर गया है तो पानी नहीं आ रहा है बाहर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोड़ा हो गया भाई, मॉरिन का डंडे गिर कर मोर वापस मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले। फाइनली तुंगनाथ टेंपल आ गए हैं, और सामने है चंद्रशिला 1 किलोमीटर, जय शिव शंभू, और ये है बाहर से हमारे बाबा का द्वार, जय शिव शंभू, जय महादेव। ये आपको जहाँ लास्ट सोप मिले आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हो, वरना मेरी तरह नीचे आओगे और परेशान होगे, क्योंकि एक बार चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है तो दोबारा तो जल चढ़ा के मन खुश करना पड़ेगा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है भाई, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और ये तुंगनाथ जी की आरती है, और ये महानंदा पार्वती माँ का मंदिर, जय पार्वती माँ, और फिर आगे मंदिर आ जाते हैं, और तो भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ भी चलेंगे हम, बाबा के दर्शन करके भाई परिक्रमा जरूर करना, और यहाँ चल रहा है प्यारा सा खेल, आए है आए है, खेल चल रहा है, परिक्रमा कर ले भाई एक बार, जय शिव शंभू, 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 तुला तर तू तुझं ऐकू सगळं मन खरं।
जय श्री शंभु। तुंगनाथी का स्थान, भगवान का हृदय और भुजा रूप का लिंग यहाँ पर विराजमान। यहाँ की जो 12 महीने पूजा होती है मक्को मठ में हुआ करती है, यहाँ से 30 किलोमीटर नीचे। तो गाइस भाई आपने दर्शन किए होंगे तुंगनाथ बाबा के, और यहीं करते हैं हम व्लॉग को एंड, और आगे की वीडियो में देखेंगे। चंद्रशिला जा रहे हैं, अगर वहाँ का हो पाया, क्योंकि रास्ता कठिन है, वहाँ का हो पाया तो वहाँ का भी व्लॉग आएगा, वरना दर्शन कर लो बाबा के। जय श्री शंभु, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय केदार बाबा, जय बद्री विशाल, जय तुंगनाथ बाबा।